पिछली वीडियो में हमने कुछ सिंपल एग्जांपल्स देखी थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी पेचीदा एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ आ रहा हूँ। पिछले पहले हमारे पास से दो एलिमेंट्स होते थे, अब हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं और उनके रेशियोज मेरे सामने लिखे हुए हैं। मेरे पास 2.04% हाइड्रोजन है, 65.3% ऑक्सीजन है और 32.65% सल्फर है, और मेरे पास एक समझ लीजिए किसी बॉटल में है, किसी बैग में नहीं है। तो अब इसका, इस पूरे सब्सटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, मैं आज की एक्सरसाइज में यही मालूम करने की कोशिश करूंगा। तो मैं अपने वही पुराने तरीके 100 ग्राम वाले पर स्टिक करते हुए, उसी पर रहते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास इस सब्सटेंस के 100 ग्राम्स हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये सब्सटेंस है क्या, लेकिन मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि ये 100 ग्राम्स है और इसमें हाइड्रोजन के 2.04 ग्राम्स होंगे, 2.04 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, और मेरे पास ऑक्सीजन के 65.3 ग्राम्स होंगे, जबकि सल्फर के मेरे पास होंगे 32.65 ग्राम्स। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वही पहले मोल्स मालूम करने हैं कि कितने मोल्स हैं सल्फर के, कितने हैं ऑक्सीजन के, कितने हैं हाइड्रोजन के, कितने हैं, और फिर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला इस रेशो की मदद से मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो हाइड्रोजन के मामले में क्या होगा, हाइड्रोजन बहुत सिंपल एटम है, बहुत सिंपल सिंपलेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसका कि एक मोल सिर्फ 1 ग्राम्स 1 ग्राम्स के बराबर है। ये तो आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन के एक नॉर्मल एटम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इसका सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, उसका एटॉमिक मास जो होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन का एक मोल, उसमें सिर्फ 1 ग्राम होगा। तो चलिए मैं अब इसको लिखता हूँ। तो मेरे पास जैसे कि अगर 6.02 × 10⁻³ हाइड्रोजन एटम्स हों, तो उनका वेट होगा 1 ग्राम, यानी वही एवोगैड्रोस नंबर वाली बात, ठीक है। अब इसके फौरन बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे पास है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का पहले मुझे एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। चलिए पहले मैं इसमें आ गया। तो यहाँ मेरे पास जो हाइड्रोजन है उसके मेरे पास हैं 2.04 मोल्स, सही। तो अब ये इसके मैं ये आप ये गौर कीजिए कि मैं इसमें फिगर्स को ज़्यादा एग्जैक्ट लिख रहा हूँ पिछले वाली के मुकाबले में। तो अब हम ऑक्सीजन की तरफ बढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, अगर आपको याद ना हो तो ये देखिए पीरियोडिक टेबल, ये ऑक्सीजन जो है इसमें इसका 16 है एटॉमिक मास, यानी 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे, इसके ग्राम्स मोल में कितने ग्राम्स होंगे, 16 ग्राम्स होंगे। तो ये यहाँ पर, लेकिन मेरे पास 65.3 है, और क्योंकि मैं एग्जैक्ट फिगर लाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको कैलकुलेट करूँगा 65.3 / मेरे पास कितना है 16, 116 इज इक्वल टू 4.08125। तो मैं इसको लिखूंगा, ये मैंने कैलकुलेटर हटाया, और सॉरी, हाँ, तो ये होगा ऑक्सीजन होगा मेरे पास है 4.08 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सही। अब आखिर में मेरे पास आ रहा है सल्फर, जो एक हमारे इन पूरी एक्सरसाइजेज में एक नई एंट्री है। तो 1 मोल ऑफ सल्फर, सल्फर के 1 मोल में कितने ग्राम्स होते हैं। चलिए अब हम एक बार फिर पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हम अपने बचपन में जब हम एक जगह अपने अजीजों के यहाँ मिलने जाया करते थे, तो वहाँ पर आसपास के इलाके में किसी वजह से सल्फर की बू फैली होती थी, और अगर आपको मालूम हो तो सल्फर की बू जो है वो सड़े हुए अंडे जैसी होती। खैर ये पीरियोडिक टेबल देखिए, यहाँ पर ये रहा सल्फर और इसका जो एटॉमिक मास है वो है 32.07, 32.07। तो मैं इसको 32 ही लूँगा, वो दूसरा जो रेशियो है उसको मैं अभी नज़रअंदाज कर दूंगा। तो 1 मोल ऑफ सल्फर कितना होगा जनाब, ये होगा 32 ग्राम्स। तो इस सब्सटेंस में जो मेरे पास इस वक्त बॉटल में है, कितने रेशियो होगा इसका, कितने मोल्स होंगे, चलिए हिसाब लगा लेते हैं।
32.6 डिवाइडेड बाय, मेरे पास यहाँ पर कितना है, 32 डिवाइड बाय 32, और ये होगा इज इक्वल टू 1.02031.25। और मैं लूँगा ये, मैंने लिया इसका फिगर 1.02 मोल्स ऑफ सल्फर, यानी कि सल्फर के 1.02 मोल्स मेरे पास आ गए। तो अब आप ये देखिए कि ये पेचीदा ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन बड़े सिंपल से ये आ गए कि 1.02 का ट्वाइस जो होता है 2.04 होता है, और 2.04 का ट्वाइस होता है 4.08 होता है, यानी कि इनका आपस में एक रेशियो एस्टैब्लिश हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये देखता हूँ कि इनका आपस में क्या रेशियो है सल्फ़र ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो इसको मैं बाकायदा तौर पर लिखने की और इसको समझने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या पूरा फिगर है। तो जनाब मैंने अब लिखने शुरू किए इनके रेशियो, हाइड्रोजन इज टू सल्फर इज टू ऑक्सीजन। तो सल्फर का हमने देखा कि सबसे कम मोल्स इसी के हैं, तो ये 1 है, इसके दो है इसका रेशियो, और इसके 4 के रेशियो में है, यानी इनकी रिलेटिव क्वांटिटीज या रिलेटिव मासेस हैं इनके आपस में 2, 1, 4। तो ये हो गया H2 और ये हो गया 1s यानी S, और ये हो गया O, ये हो गया 4 यानी H2SO4। ये किस चीज का फार्मूला है जनाब, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है जो दुनिया का ताकतवर तरीन तेजाब में से एक है।